बच्चू है, इसी का तो आवाज करती है। इस गाय के बारे में बड़े भैया आपको बताएंगे। इसे आवाज हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस बाइक के ऊपर रिव्यू देने वाला हूँ, जिसका नाम है R3 सुपर बाइक। और ये आपको असेंबल नहीं मिलेगी अगर आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हो। हमने इसे पहले ही असेंबल कर दिया था, आपको इसे खुद असेंबल करना पड़ेगा। गाइस, हम पहले इसकी हेडलाइट से शुरू करते हैं। हमें यहाँ आगे दो हेडलाइट दिखने को मिल जाएगी, जिसपे चार बल्ब है और ये चारों बल्ब जलते हैं। मैं आपको इसको दिखाता हूँ। तो गाइस, अब आते हैं हम इसके साइड मिरर्स पे। इसमें दो साइड मिरर्स हैं जो आपको शो पीस के लिए मिलेंगे, तो ये काम के नहीं है, ये सिर्फ डिजाइन के लिए लगे हुए हैं। अब इसके बाद हम इंडिकेटर्स में आते हैं। जो इंडिकेटर्स हैं ये भी शो पीस के लिए हैं, ये जलते नहीं है। मैं आपको इसे दिखा देता हूँ एक बार, ये देखो। तो गाइस, अब आते हैं हम इसके स्टीयरिंग में। जैसे आपने बाकी पेट्रोल बाइक्स की तरह देखा होगा कि उसमें बहुत ज्यादा फीचर्स होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही फीचर्स है, जो है रेस देने का। ये इसको बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सिंपल बनाता है। अब इसके आगे हमारा एक स्पीडोमीटर है जो सिर्फ शो के लिए है। मैं आपको इसे छू के भी दिखा देता हूँ, ये रियल नहीं है, ये एक स्टिकर है। ये देखिए, इस पे सिर्फ लाइट चल रही है, और अगर मैं यहाँ पे रेस दूं तो ये मूव नहीं है। तो गाइस, आ जाते हैं हम इसके फ्यूल टैंक में। इसके फ्यूल टैंक में बहुत सारे फीचर्स है, इसके हैंडल में ना देखे, इन लोगों ने फ्यूल टैंक में ही दिए हैं। तो पहले आ जाते हैं हम इसके ऑन ऑफ बटन में। ये बटन ऑन ऑफ के लिए यूज होता है, इसी से ऑन होता है और इसी से ऑफ होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस, अब आते हैं हम इसके फ्यूल कैप पे। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, इस पे फोर बटन है। पहला वाला हॉर्न के लिए यूज होता है, दूसरा वाला सॉन्ग के लिए यूज होता है, तीसरा वाला स्टोरी टाइम के लिए यूज होता है, एंड थर्ड वाला राइम्स के लिए यूज होता है। मैं आपको एक बार इसको सुना के दिखा देता हूँ। ये हॉर्न का हो गया, ये सॉन्ग का हो गया, ये स्टोरी है, और ये राइम्स हो गया। तो गाइस, आप जैसे कि देख रहे होगे, इसके यहाँ पे दो स्विचेस टाइप के लगा रखे हैं। पहला वाला यूएसबी के लिए है, इस पर आप अपने सॉन्ग इंसर्ट कर सकते हैं और उनको सुन सकते हैं। और दूसरा वाला एयरफोन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फोर लाइट लगी हुई है। ये आपकी बैटरी को दिखाता है, अगर ये ब्लू में होगी तो इसका मतलब ये फुल चार्ज है, ग्रीन में होगी तो ये थोड़ा सा कम है, उससे 90% आप लगा सकते हैं, और येलो में होगी तो मॉडरेट, और 10 में होगी तो लो। इसमें बाइक बहुत धीरे चलेगी। अब आ जाते हैं हम इसके इस बटन में। तो ये बटन इन्होंने इसलिए दिया है ताकि हम बाइक को आगे पीछे कर सकें। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये जैसे कि मैंने इसे आगे किया है, तो ये देखिए, ये बाइक आगे हो रही है। अब मैं इसे बटन को यहाँ पे कर दूंगा पीछे की तरफ, अब ये पीछे हो रही है। तो गाइस, अब आ जाते हैं हम इसकी सीट में। इन्होंने इस सीट के नीचे इसकी बैटरी दे रखी है जो 12 वोल्ट की है। एक बार इसे फुल चार्ज करने में ये 5 आवर तक चल जाती है, इसे आप फुल चार्ज 3 आवर्स में कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे, इसको देख सकते हैं आप, ये बड़ी सीट है, इसमें 4 to 5 ईयर्स के बच्चे, दो बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। अब इसके हम आ जाते हैं यहाँ पे, जो इसके साइलेंसर हैं, ये सिर्फ शो के लिए हैं। इस बाइक को एकदम रियल दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा लगाया है। सेम आगे की तरह पीछे भी दो इंडिकेटर हैं, ये भी शो के लिए हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी टेल लाइट पे। इस टेल लाइट में 4 to 5 बल्ब्स लगे हुए हैं जो जलते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब आ जाते हैं हम इसके फ्यूल टैंक के जस्ट नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्पीकर लगा हुआ है, इससे जो भी साउंड आ रही है वो यहाँ से आ रही है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ,
ये देखो, हॉर्न भी सुना देता हूँ। तो यहीं से सारी आवाज आ रही है। अब आ जाते हैं हम इसके फुटरेस्ट पे। फुटरेस्ट पे जैसे आप देख सकते हैं एक बटन जैसा कुछ दे रखा है, ये इसका ब्रेक का काम करता है। मैं आपको एक बार इसको दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैंने ये बाइक घुमाई तो ये ब्रेक दबाने से नहीं चल रही है। अब फिर से दिखा देता हूँ आपको, ये बाइक नहीं चल रही है ब्रेक दबाने से। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो स्पीकर के जस्ट ऊपर एक आपको यहाँ पे जैक टाइप दिख जाएगा जो प्लास्टिक कवर से लगा हुआ है। अगर आप इस प्लास्टिक कवर को हटाते हो तो यहाँ पे आप अपना चार्जर लगा सकते हो जिससे आपकी बाइक चार्ज होती है। एक बार आपने अपनी बाइक को चार्ज पे लगा दिया तो ये बाइक ऑन नहीं होगी। तो गाइस आ जाते हैं हम इसके टायर्स में। तो जैसे कि आप देख रहे होगे इसके टायर में एक कवर दे रखा होगा जो इसे स्पोर्टी लुक देता है, और उसी के बगल में एक लाइन दे रही है जो जिस पे लाइट चलती है। वैसे ही सेम हम पीछे आ जाते हैं, यहाँ पे भी एक कवर दे रखा है सेम इसको स्पोर्टी लुक देने के लिए, और यहाँ पे भी लाइट है ये भी जलती है, ये इसके दोनों साइड है। और अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर आप इसके हॉर्न वाले बटन में लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये देखिए यहाँ पे लाइट जल रही है यहाँ पे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक छोटा सा व्हील है जो इसके दोनों साइड लगा हुआ है, ये सपोर्टर का काम करता है। ये इस मॉडल में फिक्स है, किसी और मॉडल में आप इसे निकाल भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो गाइस मैंने आपको इसके ऑलमोस्ट सारे फीचर्स बता दिए हैं। अब मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। तो ये इस बाइक का वेट 15 kg है और ये आपका 50 to 60 kg वेट उठा सकती है। और अगर आपको ये बाइक पसंद आई है और आप इसका प्राइस चेक करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं और वहीं से खरीद भी सकते हैं। तो गाइज आपको ये बाइक कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। तो गाइज आ जाते हैं हम इसकी टेस्ट ड्राइव की तरफ। तो इसकी टेस्ट ड्राइव अब आपको मेरा छोटा भाई करके दिखाएगा जिसके लिए बाइक ली है। तो चलते हैं टेस्ट ड्राइव पे।